गुरु गोरखनाथ महाराज मिट्टी में खेल रहे, बच्चे खेलते हैं मिट्टी में। उधर अरे क्या बात कर रहा बेटा, मेरा कनेक्शन कट जाता कोई बात करता है तो। भाई मैं पहले कहता अगर मैं मेहनत करता तो मेहनत करो, बातें नहीं करोगे, किसी पर बातें करनी है तो पीछे जाओ। ये काम वृंदावन में होते हैं, ये काम वृंदावन में होते हैं, जगराता चलता रहता पीछे जुआर जुआ जुआ खेलते रहते हैं सच्चे दरबार की। मिट्टी में खेल ले गुरु गोरखनाथ। क्या करने लगे मिट्टी में खेलते खेलते, छोटे छोटे पुतले बनाने शुरू कर दिए। 1, 2, 4, 100, 200, 400, 600 कितने पुतले बनाए? 1400। 1400 पुतले तैयार कर दिए। अब बाबा मच्छिंद्रनाथ ये देख करके हंसने लगे। बच्चा ये क्या कर रहे हो? कि गुरुजी जैसे ये आपके चेला हैं, ये सब मेरे चेले, इतने सारे। हाँ गुरुजी इतने सारे। नू तो बेटा अब तक तूने अगर गुरु की सच्ची भक्ति करी है तो इन मिट्टी के पुतलों को एक बार चला कर दिखा, इन्हें चला कर दिखा। अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाया, चरण स्पर्श करे मच्छिंद्रनाथ महाराज के, तभी कहा कि सतगुर ऐसा जानियो जैसे लंबा पेड़ खजूर, और चढ़ जाता फल चाख ले गिर जातो चकनाचूर। अपने गुरु के पैर छुए और मिट्टी के पुतलों से नुगे चलो आगे, तो मिट्टी के पुतले पट 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 आगे चढ़ने लगे थे। उस दिन से 1400 शिष्य बन गए थे गुरु गोरखनाथ महाराज के, सच्चे दरबार की। दिन दुनी रात अपने गुरु की सेवा करते रहे। आजकल ऐसी सेवा होती रही गुरु महाराज की। उधर बताया ददरेवा नगर में रानी बाछल राजा जेवर सिंह के लिए बिहाई। बताते हैं कि उनके विवाह को 12 साल हो गए लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा जेवर सिंह निर्वंशी कहलाने लगे थे। अगर बाहर निकल के जाए तो लोग बाग निर्वंशी कहते थे क्योंकि कोई वंश नहीं था। अब तो माता बाछल वियोग करें, उधर राजा जेवर सिंह बड़े परेशान आंखों में आंसू भरे रखे। माता बाछल कहने लगी महाराज एक काम करो, कोई विद्वान से ब्राह्मण को बुलाओ और अपनी कुंडली दिखवाओ। कोई दोस्त तो नहीं है हमारी कुंडली में, हमारे नसीब में कोई संतान है भी या नहीं है। माता बाछल की बात मान करके राजा जेवर सिंह विद्वान ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित जी घर आते हैं, पंडित जी पत्र खोलते हैं। महाराज बताओ, पंडित जी कोई ऐसा योग देखो इस पत्र में, कुछ ऐसा देखो कि हमारी इस जीवन में इस जन्म में हमारी कोई संतान है या नहीं। महाराज मुझे इतना तो ज्ञात नहीं है कि आपके कोई संतान है होगी या नहीं होगी, पर मैं इतना बता सकता हूं। क्या महाराज? पंडित जी कहने लगे महाराज सुनो, आप एक काम करो, अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप गुरु गोरखनाथ के नाम के का धूना लगाओ, माता बाछल को धूने के पास बैठाओ तपस्या करने के लिए। और एक काम करो महाराज, आप अपने इस ददरेवा नगर में 9 लखा बाग लगवाओ। 9 लखा बाग कैसा? उस बाग में 9 लाख प्रकार के तरह के पेड़ पौधे होने चाहिए। उसमें आप एक कुइया बनवाओ, एक मंदिर बनवाओ, एक तालाब बनाओ, लोग बाग आएंगे उस बाग में ठहरेंगे, आपको आशीष मिलेगा, ना जाने आपकी वंशवेल बढ़ जाए। और किस प्रकार बता रहे हैं आप, क्या बता रहे? दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए पंडित जी के सामने, आंखों में आंसू भर रखे माता बाछल और राजा जेवर सिंह ने, और किस प्रकार कह रहे हैं। दुखी हुए जेवर जी लगे ना घर में जी,
नहीं रे हुई संता की हुए थे वर्जी लगे ना घर में जी नहीं रे हुई संता हजी जब बीते बार साल हजी जब बीते बार साल की हुए थे वर्जी लगे ना घर में जी नहीं रे हुई गोगा मेडी कौन कौन गए एक बार हाथ उठाओ जो गोगा मेडी गए कौन से दिन मेला भरता है वहां पर भादो की नौमी उस नौमी को क्या कहते हैं उस नौमी को कहते हैं कृष्णा नौमी भादो की जो नौमी आती है हाँ और मेरे बाबा की महिमा ऐसी है जो भक्त नहीं गए उनके लिए बता रहा हूं इस बात को ना तो पीने के लिए दूर दूर तक पानी और ना ठहरने के लिए छाया ये उस वक्त की बात थी जब नौलखा बाग लगवाया था या तो सच्चे दरबार की पल भर में तो इतनी भीड़ नजर आती है कि पैर धरने के लिए जगह नहीं मिलती और पल भर में ही वो दृष्टा सारा खाली हो जाता है ऐसी माया मेरे बाबा जहारवीर महाराज की बोलो बाबा जहारवीर महाराज की जय बताया भादों का महीना कृष्णा नौमी की हो और भादों का महीना कृष्णा नौमी की हो लगता है मेला भारी तो बाबे जेवर सिंह ने रोहित पंडित बुलवाए राजा जेवर सिंह ने रोहित पंडित बुलवाए पंडित जी आगे महल में पत्रे खोल लिए पंडित जी बताओ हमारी कुंडली में क्या है राजा जेवर सिंह ने रोहित पंडित बुलवाए राजा जेवर सिंह ने रोहित पंडित बुलवाए पंडित ने पत्रे खोल के राजा को वचन सुनाए पत्रे खोल के राजा को वचन सुनाए आगे का तुम सारा सुन लो हाल जी बाबा की कथा और कथा में तो मैं तो कथा तो कई कई दिन तक खत्म होगी अगर बीच में झांकी लग भी गई अगर झांकी आ भी गई तो चार से भजन कथा के मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा आप याद करोगे कि सुरजीत हल चलाया था और उसने बाबा जहारवीर के भजन सुनाए थे पंडित जी कह लेंगे महाराज
आप दान पुण्य के काम करो, आप धर्म के कार्य करो। पंडित जी धर्म के कार्य कैसे, मेरी बात सुनो। तुम पाग लगाओ राजा और शिव मंदिर बनवाओ, पाग लगाओ राजा और शिव मंदिर बनवाओ, हवन यज्ञ करा के उसमें पुया बनवाओ, हवन यज्ञ करा के पुया बनवाओ। उस बाग में छोटा सा ₹50 से अर्जी करा रहा है बाबा। बाबा जहरवीर सदैव जय जयकार करना है इस परिवार में और यू ही खुशियां बरसते रहे। आओ जी हवन तैयार करा लिया गुरु गोरखनाथ के नाथ काम का। हवन के पास बैठ गई और हाथ जोड़ करके ध्यान लगाना शुरू कर दिया गुरु गोरखनाथ का। कह दो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। एक साल दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ये ग्यारह और ये बारह, बारह साल हो गई गुरु गोरखनाथ के उस जाप को करते करते। उधर जब बारह साल पूरी होने को आई उस यज्ञ की आहुतियों से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, कांपने लगा। अब इंद्र बड़े परेशान, ये ददरेवा नगर की रानी बाछल ये बारह साल से धूना लगाए बैठी गुरु गोरखनाथ के नाम का। यज्ञ को शांत करने के लिए इंद्र लोक से नारद नारद मुनि ऋषि पठाए, इंद्र लोक से नारद नारद मुनि पठाए, इंद्र लोक से नारद नारद ऋषि मुनि पठाए, इंद्र लोक से नारद नारद ऋषि मुनि पठाए। गुरु गोरखनाथ महाराज जय। अब तो भक्तों